अपन लोग बहुत टाइम से छोटा सा वीडियो बनाना चाह रहे थे कांच के बारे में। तो मैं और वेनु जा रहे हैं, थोड़ा एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन रहेगा। हम इंटरव्यूज भी लेंगे कि भैया आखिर कांच का होता क्या है, कौन सा कबाड़ी खरीदता है नहीं खरीदता। जैसे ये आपका कांच का या जो लुकिंग ग्लास होता है, इसका वेस्टेज होता है, इसका क्या करते हैं? जैसे हम लोग तो इकट्ठा भर देते बोरी में, वो उसको फिर पलटी करेंगे, सफ़ेद को अलग कर देंगे, ब्लू को अलग कर देंगे, वाइट को, ग्रीन को अलग कर देंगे, सबको अलग अलग करते हैं। जैसे वाइट है, वाइट की तो रिप्रोडक्शन हो जाती है, दोबारा बन जाता है वाइट, और बाकी जो ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, वो चूड़ियों के लिए काम आ जाता है। तो ये रिसाइकलिंग जो आप ही करते हैं? नहीं, ये जाएगा क्वाड वाले ले जाएंगे यहाँ से, वो पीछे फैक्ट्रियों में देंगे, वो कर देंगे रिसाइकल द्वारा। तो वो कितने रुपए किलो ले जाते हैं? वो हम तो फ्री दे रहे, वही बड़ी बात है। आप लोगों का तो चलो काम है, आप लोग इकट्ठा कर लेते हैं, पर ये आपको कुछ अंदाजा है कि जैसे लोगों के घरों में जब खिड़कियाँ टूटती हैं, नाले चले हैं, वहाँ फेंक दे रहे हैं। जैसे आज कल भी बना हुआ है, मेरा घर है उसके पास ही एक काफ़ी बड़ा नाला है, तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं सारा कचरा वहाँ गिराते हैं। वो रिसाइकल नहीं हो रहा? वो तो नहीं हो रहा, वो तो नुकसान दे रहा हमारे इकोलॉजी को, खराब कर रहा है वो। तो इसके बाद हम किसी जंक डीलर पे जाएंगे कबाड़ी वाले के पास, और देखेंगे कि वो किस तरह का कांच खरीदते हैं। जो टूटा वाला कांच है ना जी, वो रिसाइकल होता है, वाइट वाला रबड़ की चप्पल जो होती है ना, कैंची वाला फ्लीट वाली, उसमें डलता है। बियर की बोतल है, वाइन की बोतल है, वो सारी बोतल जो है वो सारी रीयूज होती है। जैम का जार है या कोई ऐसी बोतल है जो थोड़ी अलग शेप की है, उसका क्या होता है? उसको तोड़ के फिर वो कांच में चले जाते हैं। ये जो है ये वाली है, ये कांच में जाएगी। क्या भाव बिकता है वहाँ पर? ऐसे 2 रुपया 2.5 रुपया बिक जाते हैं। जैसे घरों से जब आप लोग कांच इकट्ठा करते हैं, कोई जाता है तो टूटा हुआ कांच खरीद लेते हैं? नहीं, ऐसे दे देते हैं। तो उसका क्या, टूटे हुए का तो क्या रेट लग रहा, कुछ भी ना भी लग रहा। तो इसीलिए लोग जो है, मेरे को लगता नहीं कि टूटा हुआ कांच इकट्ठा करते हैं, वो फेंक ही देते हैं, वेस्ट करते हैं ज़्यादातर। तो अब कहीं दुकान उकान पर पड़ा हो, कुंटल 2 कुंटल हो, तो हम लोग को उठाने में बड़ा खाते हैं, आई 2-4 किलो को उठाने में कोई बड़ा नहीं खाते हैं। जैसे लोग घरों का जो टूटा हुआ कांच है फेंकते हैं, वो जैसे ये धर्मशाला में वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी वहाँ जाता है, ओके, वहाँ पे लोग बीनते हैं, कांच नहीं उठाते हैं, टूटा हुआ कांच नहीं उठाते हैं। पर अगर बिक जाता है तो क्यों नहीं उठाते? वो रेट नहीं है भैया ना उसका, ना 2-3 रुपए किलो रेट होगा उसका चंडीगढ़ में, तो फिर यहाँ पे कौन खरीदेगा उस रेट में? प्लास्टिक का भैया जो जार होता है, वो प्लास्टिक का जार तो जैसे ही आपके सामने ही है, वो जो ढेर लगा है उधर, हाँ ये बॉटल्स है, ये हमने मशीन लगाई है ये बॉटल्स के लिए। अच्छा ठीक है, इनकी ऐसी पेटियाँ बन जाएंगी, ओ ये ऐसे क्रश हो जाती है, हाँ, और ये वेट हो जाता है इनका 110 किलो तक। ये इनका आगे फैक्ट्रीज में जाएंगी, वहाँ पे थ्रेड बनता है, नाइलॉन थ्रेड बना लो या कुछ भी बना लो, पीवीसी, हाँ पीवीसी टाइप। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई छोटा जार है या कोई, ये जैसे आपने ये नॉर्मल बॉटल नहीं है, ये भी हो जाएगी इसी में, ये भी इसी में हो जाएगी जी। बड़े सारे लोग कहते हैं कि ना कांच जो है ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, प्लास्टिक नहीं है। ये फ्रेंडली तो नहीं बोल सकते आप इसको, आप इसको मिट्टी में दबा दीजिए 20 साल बाद भी ऐसी निकलेगी। तो कांच भी ऐसा है, प्लास्टिक भी ऐसा है, वैसा ही है, बट इसका ये बिक जाती है इजीली, इसका रेट ज्यादा है, तो ये रिसाइकल ज्यादा होती है। तो बायोडिग्रेड ना कांच होता है ना प्लास्टिक, और दोनों ही रिसाइकलेबल है, पर बात यह है कि कौन सी चीज कन्वीनियंट है, और प्लास्टिक कहीं ज्यादा कन्वीनियंट है। तो जैसा कि हमारी मॉडर्न लाइफ में होता है, लोग वही करते हैं जो कन्वीनियंट होता है, और इसलिए टूटा हुआ कांच जाता है नदी नालों में और जानवरों को परेशान करता है, और प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल होकर पीवीसी या दोबारा बोतलें उसकी बन जाती हैं। पर फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि कांच बुरा है या प्लास्टिक बुरा है, शायद कमी हमारे लाइफस्टाइल में है, जहाँ पे हमें सब कुछ कंज्यूम करना है और हमें हर चीज़ का एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहिए। पर देखिए, हर सॉल्यूशन अपने साथ नई प्रॉब्लम्स लेके आता है, तो ये नहीं मैटर करता कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो प्लास्टिक में आ रहा है या कांच में, शायद मैटर ये करता है कि क्या हमें उसको कंज्यूम करने की ज़रूरत है भी या नहीं।